नमस्कार मैम एवरीवन। तो लास्ट वीडियो मेरी थी कि जो पार्सल लोगों के आ रहे हैं उसको ट्रैकिंग कैसे किया जा रहा है। तो वही पार्सल ट्रैकिंग के थ्रू मैंने जो वीडियो बताई थी उसमें आप लोग के कई सारे क्वेश्चन आए थे कि जो पार्सल रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैंने उनका एक उससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने ये बना रहा हूँ। तो इसमें मैंने हाईलाइट कर दिया कि जो पार्सल रिलेटेड मोस्ट डाउट हैं उनको मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। इसमें अधिकतर जो डाउट्स थे उनके मुझे कुछ क्वेश्चन नहीं पता थे, तो मैंने कहा इसको ऑफिशियल तरीके से पता कर लेते हैं। तो मैंने इसको पता करने के लिए डायरेक्ट क्या कि वहाँ पे कॉल कर ली। तो वहाँ पे मैंने उन लोगों से पूछा, इसलिए यहाँ पे लिखा है मैंने सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन 100% कन्फर्म। तो अधूरी जानकारी या गलत जानकारी देने कोई फ़ायदा नहीं है, मैं किसी ट्रस्ट को ब्रेक नहीं करना चाहता। तो इसलिए मैंने सीधे क्या किया, वहाँ पर कॉल कर ली। तो जो इसका ऑफिशियल नंबर होगा तो मैं ये आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा, तो इसके थ्रू आप लोग जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आप लोग को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करना है। नहीं तो चलते हैं सीधे देखते हैं कि जो मोस्ट क्वेश्चन है वो क्या है। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन की एक लिस्ट बना ली है कि SMS आने के बाद मैक्सिमम कितने दिन के बाद पार्सल आएगा। तो मैंने ट्रैकिंग रिलेटेड बताई थी कि ट्रैकिंग के लिए किस तरह से ट्रैक करना है, तो वो तो आप लोग को वेबसाइट बता दी थी। अब इसमें मैंने क्या बताया कि SMS आने के बाद, जैसे आपके पास SMS आ गया तो उसके मैक्सिमम कितने दिन बाद आएगा। तो मैंने पूछा, चलिए सुनते हैं कि उन्हीं लोगों से कि उन्हें क्या बताया। मैम, ये पूछना था कि जैसे मेरा जो पार्सल का है मैसेज आया है, तो मैम उसके कितने टाइम बाद डिलीवरी हो जाएगी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैम यूपी कानपुर से। अच्छा, आपको मैसेज आया है? जी, जैसे वो कोयम्बटूर से डिस्पैच होता है ना, तभी मैसेज आता है। जी, तो जी। आपको बसे जाने के 2 हफ्ते में डिलीवर हो जाना चाहिए। 1-2 हफ्ते मैम की 4 to 8 week। आप ना 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 आपको उनसे जा चुका है ना कुरियर कंपनी से? जी जी कुरियर कम जी जी कुरियर कंपनी मैसेज आ चुका है। तो फिर आपको 2 weeks मैक्सिमम, 2 week मैक्सिमम, 6 में मिल जाना। हाँ, 2 weeks में मिल जाना चाहिए। अभी जैसे से कुरियर कंपनी डिस्पैच होता है, जी जी, वो अपना मैसेज भेज देता है। तो मैम से आपको कानपुर पहुंचेगा, तो हम थोड़ा ज्यादा चल रहे हैं जी। हो सकता है आपको, लेकिन 2 weeks लगेगा। कुरियर कंपनी आपको किया है तो आपको 2 weeks में मिल जाना चाहिए। तो जैसा कि आप लोग रिकॉर्डिंग में सुन चुके हैं कि जो SMS है, SMS आने के बाद मैक्सिमम जो पार्सल हो कितने टाइम में आ रहा है, 2 to 4 week। तो इन्होंने बताया कि 2 to 4 weeks में आपका जो पार्सल है आपके पास आ जाएगा मैक्सिमम वो भी। तो ये आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आपका मैक्सिमम कितने देर में आ रहा है, और ये आप लोग हम मेरे को बता दीजिएगा जिससे मैं आगे लोगों को फीडबैक दे सकूँ और उनको हेल्प कर सकूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि पार्सल इंडियन पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजे जा रहे हैं या कोई कोरियर कंपनी है। तो अगर इंडियन पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजे जा रहे हैं तो क्या होता है, इसमें थोड़ा डिले हो जाता है, और पैकेज क्या हो जाता है, पैकेज में कोई ब्रेक थ्रू हो जाता है या टूटा टाट जो भी होता है डैमेज हो जाता है एक तरह से। और लेकिन अगर कोई दूसरी कंपनी होती है क्या होती है, थोड़ी सही तरीके से भेजती है। तो इस ये भी मैंने आप लोगों के लिए पूछ लिया, तो जिसका उन्होंने आंसर दिया है कि, तो इसी को आप रिकॉर्डिंग में सुन लीजिए। तो मैम कोरियर कंपनी है या फिर पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजा जा रहा है, ये बता दीजिए। नहीं, कोरियर, प्रोफेशनल कोरियर के थ्रू भेजा। कौन सी कोरियर मैम? प्रोफेशनल कोरियर। ओके ओके। तो जैसा कि आप लोगों ने रिकॉर्डिंग में सुना है कि जो पार्सल है वो इंडियन पोस्ट ऑफिस के थ्रू नहीं भेजा जा रहा है, वो कोरियर कंपनी है। तो कोरियर कंपनी उन्होंने कौन सी बताई, प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल नाम की कोई कोरियर कंपनी है उसके थ्रू पार्सल भेजे जा रहे हैं। तो ये भी डाउट क्लियर हो गया कि अधिकतर लोग कह रहे थे कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू आ रहा है तो कैसा आएगा पार्सल, सही से आएगा कि नहीं आएगा। फिर आखिरी में मैंने लास्ट में ये भी पूछा है कि अगर कोई डैमेज हो जाता है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो वो लास्ट का क्वेश्चन है, चलते हैं पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि पार्सल डे वाइज भेजे जा रहे हैं या डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो मैक्सिमम क्वेश्चन यही आ रहे थे लोगों के कि जो पार्सल आ रहा है वो मैंने पहले बुकिंग कर दिया था लेकिन मेरा अभी तक आया नहीं है, और यह डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कह रहे हैं। मतलब जैसे दिल्ली वालों का आ गया है लेकिन तमिलनाडु का लोकल वाले कह रहे हैं कि आंध्रा वालों का नहीं आया अभी तक। तो इसका क्या चक्कर है कि पास वालों का अभी तक नहीं आया और दिल्ली वालों तक का आ गया है, दिल्ली यूपी तक वालों का आ गया, दूर दूर वालों का आ जा रहा है। तो मैंने ये भी पूछ लिया, चलिए इसको भी आप लोग सुन लीजिए रिकॉर्डिंग में। हाँ मैम, जैसे मेरा एक फ्रेंड है उसने भी किया था, मैंने भी किया था, लेकिन मेरा मैसेज आया उसका अभी तक नहीं आया।
तो मतलब ये किस हिसाब से, डेट वाइज या डिस्टेंस वाइज? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, रैंडम भेजा जा रहा है। अच्छा, रैंडम कोई डिस्टेंस नहीं, डेट भी नहीं है। हाँ देखिए, दिल्ली वाले लोग को मिल गया है, आश्रम में जो रहते हैं उनको अभी तक नहीं मिला। जी, हमको भी नहीं मिला, हम तो जैसा 1.5 महीना पहले किए थे। जी, जनवरी में किए थे, हमको भी नहीं मिला अभी तक। हाँ, जनवरी में किए थे हम, अभी अभी हमको नहीं मिला। रैंडमली भेज रहे हैं, आपको मिल जाने दीजिए, उन लोग को भी मिल जाए, आपका दोस्त लोग को भी मिल जाएगा, चिंता नहीं करना है। ओके ओके, मिल जाएगा। लेकिन थैंक यू मैम, कोई असुविधा होगा तो फिर दोबारा फोन कर लीजिए। ठीक मैम, नमस्कार। कोई असुविधा होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप 10 दिन के बाद एक बार और फोन कर लीजिए, पूछ लीजिएगा। जी, ओके। और कुरियर भी मिलता है ना आपको, कोई असुविधा है या रुद्राक्ष में जो किट में होना चाहिए, जी, अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो आप फोन कर सकते हैं उसके लिए भी। ठीक मैम, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम वेलकम। यार डाउट भी आप लोग का क्लियर हो जाए। तो इसमें जो उन्होंने बताया कि कॉल रिकॉर्डिंग में कि जो पार्सल भेजे जा रहे हैं वो किस थ्रू भेजे जा रहे हैं, रैंडम। तो सिस्टम है वो रैंडम क्लिक कर रहा है कि पार्सल किसे भेजने हैं, तो रैंडम क्लिकिंग हो रही है पार्सल की, ना कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ना डेट वाइज के अकॉर्डिंग। तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि जो डिस्टेंस देखी जा रही हो या आपकी डेट देखी जा रही हो कि आपने कब रजिस्ट्रेशन किया, महाशिवरात्रि के बाद किया या पहले किया, तो ऐसा कोई भी चक्कर नहीं है। जब भी आपने रजिस्ट्रेशन किया हो तो कंप्यूटर क्या कर रहा है, रैंडम आपके पार्सल रजिस्ट्रेशन है उनको क्लिक कर रहा है और भेज रहा है आपके पास। तो अगर किसी का भी रजिस्ट्रेशन जिसका सक्सेसफुल हुआ है तो उसका पार्सल क्या होगा, कंफर्म आएगा ही आएगा, चाहे जब भी आए, मतलब जब भी आए मतलब अप्रैल मई लास्ट मई तक सबके पार्सल डिलीवर्ड हो जाएंगे। तो इसी तरह आप लोग बताए, नेक्स्ट जो भी प्रॉब्लम होगी आप लोग हमको बता दीजिएगा, तो उसका मैं आप लोग को फॉलो थ्रू बता दूंगा कि इसमें क्या हो सकता है। थैंक्स फॉर एवरीवन वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।